हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तेरा भी कमाल है मालिक, कैसे कैसे खेल खेलता है तू, कैसी कैसी लीला रची है तूने। माँ जी की मर्जी के विरुद्ध मुझसे शादी करना माँ जी को अच्छा नहीं लगा। जाकर अपने रघुराम से बोलिए कि ले जाए अपनी प्यारी पत्नी को कहीं और जाके अपना घर बसा ले। मैंने इंसान का अहंकार देखा और अहंकार के अधीन होने वाले इंसान को भी देखा। वो सारा खाना जो इसने बनाया है भिखारियों में बांट दो। माँ बाप का अपमान करना क्षम्य अपराध है और जन्म देने वाली माँ को लात मारने के लिए कोई क्षमा नहीं, सिर्फ सजा है सजा। जो कोई अपनी माँ का दिल दुखाता है असल में वो अपने ईश्वर का मन दुखी करता है। कोई तेरे साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है, तू तो मालिक का ही रूप है, जननी है, पूजनी है, फिर मैं तेरा अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं सहन नहीं कर सकता मां, मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन मैं निस्सहाय हूं मां, कर्म बंधन के जंजाल में जकड़े हुए इंसान को कैसे मुक्त करूं मां, कैसे मुक्त करूं मां, कैसे मुक्त करूं। देवा, देवा,
जानता हूं गुरुजी, तुम सब मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मैंने आज तक किसी को नहीं ठुकराया। मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं। जो कोई मेरे पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मैंने मंगेश का भला ही किया है श्यामा, फिर भी उसने अपनी मां का जो अपमान किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए उसे देखते ही मुझे क्रोध आया। मैंने मंगेश को क्षमा कर दिया होता तो इस दुनिया में गलत संकेत चले जाते। लोगों की अपने माँ बाप का अपमान करने की हिम्मत बढ़ जाती है। जिन लोगों का जिंदगी भर इंसान को कृतज्ञ रहना चाहिए, लोग उनके कृतज्ञ बन जाएंगे। मैं मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां की तो हमेशा पूजा करनी चाहिए, मां की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मां ही तो मालिक का रूप है, मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की परछाई है। मां, मां, रघु, तुमने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा। रघुराम, आप बार बार वही बात क्यों दोहराती हो माँ? न बैंड, न बाजा, ना कोई समारोह, इसे शादी नहीं कहा जाता रघुराम। तुम उस लड़की को वापस अस्तगांव छोड़ आओ। वो मेरी पत्नी है माँ। अगर तुम्हें वही लड़की चाहिए तो ठीक है, रहने दो उसे घर में, पड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। तुम मेरी दूसरी शादी का विचार अपने दिल से निकाल दो। बंधन, बंधन से हर कोई मुक्त होना चाहता है, परंतु एक बंधन ऐसा है जिससे कोई भी मुक्त नहीं होना चाहता, और वो बंधन है प्यार का बंधन। एक ऐसा बंधन है जिसकी कोई गांठ नहीं होती। इंसान जितना ही एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करे, अपने आप को उतना ही एक दूसरे के और करीब पाता है। बंधन कई प्रकार के होते हैं। फर्ज, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, ये सब बंधन के ही तो नाम हैं। इंसान अंतिम सांस तक बंधनों में ही बंधा रहता है। जहां एक तरफ हर इंसान बंधनों में ही बंधा रहता है, वहीं ज्ञानी, विद्वान, संत, महात्मा बंधनों से मुक्त रहते हैं। वो तो शरीर का बंधन भी त्यागना चाहते हैं। उनका लक्ष्य होता है आत्मा को परमात्मा से एक रूप बनाना, जिसे सभी मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं।
मोक्ष ही जीवन का अंतिम सत्य है। सबका मालिक एक। अरे राम राम, अरे नालायक गधे, अरे ये क्या बदतमीजी है ढोंडिया? बदतमीजी नहीं है, दिखाई नहीं देता क्या है? अरे भगवान, ये तो हमारा ही बिस्तर है। ढोंडिया, बिस्तर बाहर क्यों फेंके? बिस्तर उठाओ और तुम तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। क्या बकवास कर रहा है? वे जी, आपका ये चेला चादर से बाहर पैर फैला रहा है, सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है ये? हाँ, मैं सुन रहा हूँ द्वारिकानाथ जी, मैं सुन रहा हूँ। फिर कृष्णा माई ने जो कहा है वो भी तो सुना होगा ना आपने। अब शिरडी को आपकी जरूरत नहीं है, ये ढोंडू बाबा ही काफी है। बिस्तर उठाओ और तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। अरे नालायक, प्लीज है? अरे मार क्यों रहे हो, मैं तो आपका भला चाहता हूँ। हाँ, तू मेरा भला चाहता है मुझे शिरडी से बाहर भेज कर। जी, हाँ? अरे सुनिए तो सही, आप शिरडी से बाहर जाएंगे तो ये जाड़िया भी आपके साथ जाएगा, और इस मोटू पेटू के साथ उसका ये चेला भी जाएगा। अरे पीछे से आप चुपचाप फिर से शिरडी में आ जाना। अरे इन दोनों राहु केतु के ग्रहण से हम बच जाएंगे और हमारी शिरडी भी। अरे ढोंडू कहीं के, जैसे तुम ये कचरा घर से बाहर फेंकना चाहती हो ना, मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें भी उठा के घर से बाहर फेंक दूँ इस कचरे के साथ। तुम कितनी निर्लज्ज हो, कितनी बेशरम हो तुम। हाँ, इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। अरे तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अपने मायके चली गई होती। अगर मायके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद जाती, मर जाती। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो पैसे चाहिए हा? और तुम जैसों को पैसों के लिए क्या मान और क्या अपमान हा? तुमने शादी रघुराम से नहीं, रघुराम की दौलत से की है ना? बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? मेरे रघुराम को छोड़कर जाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कीमत दूंगी, जितना चाहिए उससे ज्यादा दूंगी। ये ले 10,000, 25,000, 50,000, कितने पैसे चाहिए तुझे बोल। इससे ज्यादा चाहिए तो वो भी दूंगी। अरे तू बोल मनहूस, कुछ बोल। इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो मैं के चली गई होती। अरे मैं के नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद पड़ती, जान दे देती, कूद पड़ती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती।
जान देना चाहती हो? वो बुजदिल होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। मालिक ने तुम्हें जानदार क्यों बनाया है? जान देने के लिए? ये गलत है बेटी। जिसे तुम अपनी जान समझ रही हो, क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है उस पर? नहीं बेटी, नहीं। तुम्हारी जान पर पहले तुम्हारी माँ का हक है, जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला है, फिर तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी जान पर तुम्हारे पिता का अधिकार है, क्योंकि तुम उनका अंश हो। उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हें पाला है, पोसा है, दुखों का सामना आगे बढ़कर किया है। अब तुम्हारी जान पर अधिकार है तुम्हारे पति का, क्योंकि अब वो तुम्हें अपनी जान समझता है। उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। खुदकुशी करके तुम उसके प्यार का मजाक बना रही हो? बेटी, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं, वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। गलती कभी नहीं होगी बाबा। अब मैं हर चुनौती का सामना करूंगी। आपको प्रणाम करती हूं बाबा। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साईं साईं बोल। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। बाबा, वो फकीर आप ही थे ना बाबा? मुझे रोकने के लिए आप ही आए थे ना बाबा? बाबा आप आए और मैं बदनसीब अपने बाबा को पहचान न सकी। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसने कोई अपराध नहीं किया है मालिक, वो क्षमा मांग रही है, और जो अपराध के बाद अपराध करती जा रही है, उसे तुम कोई सजा नहीं दे रहे हो मेरे मालिक। अरे कैसा न्याय है तुम्हारा मालिक, सास के अपराध की सजा बहु भुगते। अरे श्रवण, तुम कैसे हो दोस्त? मैं तो ठीक हूँ। किससे बातें हो रही थी दोस्त? उससे। कब खत्म होगा तुम्हारा ये पागलपन? जब इस दुनिया के सारे लोग सयाने हो जाएंगे तब। तुम्हारा मतलब है दोस्त, यहाँ का हर कोई पागल है? और नहीं तो क्या। अरे यहाँ तो एक से एक पागलपन के नमूने हैं, एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ श्रवण, यहाँ तो सभी पागल हैं। अरे किसी को अमीर बनने के लिए पागलपन का दौरा पड़ता है, तो किसी को शोहरत पाने के लिए, कोई ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने नाम करने के लिए पागलपन करता है, तो कोई छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए पागलपन, और यहाँ तक कि दूसरों की रोटी छीनने के पागलपन से भी परहेज नहीं करते। कौन नहीं है पागल, यहाँ तो सभी पागल हैं। कोई मालिक को पाने के लिए तड़पता है, पागल होता है, तो कोई मालिक को चुनौती देने के लिए पागलपन करता है। कौन नहीं है पागल श्रवण, सबके सब पागल हैं। तुम भी पागल हो, मैं भी पागल हूँ, पागल पागल। दोस्त एक बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या? उस दिन तुम किसी को पत्थर फेंक कर मारे थे,
फिर भी ये लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं? पागल के पास पागल ही तो आते हैं श्रवण दोस्त, जैसे तुम आए हो। मैं अरे मैं तो भूल ही गया। क्या? माँ ने तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाया है। क्यों? उस दिन तुम आए थे ना, और माँ तुम्हें खाना नहीं खिला सकी थी इसीलिए। लेकिन मैंने तो शिकायत कभी नहीं की। तुमने शिकायत नहीं की लेकिन माँ को बुरा लगा। तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी ना श्रवण दोस्त? नहीं आओगे तो ज्यादा तकलीफ होगी दोस्त, इसीलिए जरूर आना। माँ ने यही कहने के लिए मुझे भेजा था। आओगे ना? जरूर आना, माँ इंतजार करेगी। हाँ हाँ जरूर। चलता हूँ। वाह मालिक वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। तुम्हारी कलाकारी की तो दाद देनी पड़ेगी मालिक। एक तरफ तुम्हारा बनाया हुआ इंसान मंगेश जो अपनी माँ को लात मारता है, और दूसरी तरफ ये श्रवण जो अपनी अंधी माँ अंधे बाप की आंखें हैं। आंखें तुम्हारी रचना भी अजीब है मालिक। रिश्ता एक और रूप अनेक। सबका मालिक एक। पौना, मैं भी कैसी पागल हूँ। पौना यहाँ कैसे? पौना पौना, तुम यहाँ? तुम नहीं जानती हो तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा पौना, ये बताओ कि माँ कैसी है, पिताजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अरे पौना, ये तुम बोल रही हो? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ बेटी। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, आप लोग यहाँ? हाँ। कैसी हो बेटी? खुश हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। आपके दामाद मुझे फूल की तरह रखते हैं। तुम खुश हो ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई बेटी। शादी के बाद तुम कैसी हो, यही चिंता सताई जा रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने चले आए। चलिए पिताजी, आइए माँ। बैठिए पिताजी, बैठिए माँ। बहुत बड़ा घर है बेटी। अरे बड़ा घर नहीं सरस्वती, ये तो बड़ी हवेली है। अरे नामू। जी भाई जी। खेत पर जाकर छोटे जमींदार जी को बता देना कि आस्त गांव से उनके सास और ससुर आए हैं, जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाए। जी भाई जी। जानकी, तुम्हारे घर वालों का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। सरस्वती, जानकी को सुखी देखकर दिल को बहुत तसल्ली मिली। भगवान का शुक्र है, हमारी जानकी बहुत खुश है। रुक जाओ। माँ, पिताजी, ये है माँ जी, मेरी सासू माँ। तुम एक स्त्री हो और स्त्री होकर दूसरी स्त्री पर हाथ उठाती हो, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम नई नवेली दुल्हन की भावना का आदर नहीं कर सकती? थप्पड़ तो तुमने अपनी बहू को मारा हो, लेकिन
दर्द उसके माता पिता को ही हो रहा होगा। वो तो बेचारे अपनी बेटी की खुशहाली जानने के लिए आए थे, लेकिन तुमने दिए हैं उन्हें आंसू। मैंने तुम्हें रसोई घर में कदम न रखने के लिए कहा था, तुमने फिर भी रसोई घर में कदम रखा। मैं तो पानी लेने के लिए। भिखारियों को पानी हवेली के बाहर पिलाया जाता है, घर के अंदर नहीं। माँ जी चुप। ऊंची आवाज में बात की ना तो जुबान काट कर फेंक दूंगी। चल पहले इन भिखारियों को बाहर का रास्ता दिखा, बाहर जाने के लिए बोल, अभी के अभी, इसी वक्त। जानकी, तुम तो कह रही थी तुम बहुत खुश हो, यहाँ बहुत सुखी हो, क्या यही तुम्हारा सुख है? हाँ माँ। फूल की तरह रखते हैं ना तुम्हारे ससुराल वाले। बेटी के दिल का दर्द एक माँ का दिल ही महसूस कर सकता है। बेटी के मन का आक्रोश माँ के कान ही सुन सकते हैं। हर माँ चाहती है ससुराल में उसकी बेटी खुशहाल रहे, सुखी रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे। लेकिन जब वो ससुराल में अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखती है, तब उसकी कश्ती बेटी के एक बूंद आंसू से डूलने लगती है। रोने के लिए इन भिखारियों को मेरा ही घर मिला था, अभी तक गए नहीं ये लोग? खुद जाएंगे या मुझे जाकर इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा? बेटी अब हम चलते हैं। मैंने आप लोगों को पानी भी नहीं पिलाया पिताजी। तुम्हारी सासू माँ ने बहुत पानी पिला दिया बेटी, सारी प्यास बुझ गई। मेरी बात मानो जानकी, हमारे साथ घर चलो। हाँ जानकी, अभी घर चलो। जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। क्या सोच रही हो तुम? मैंने कहा ना चलो हमारे साथ। नहीं पिताजी, अब मैं यहीं रहूंगी रघुराम जी के साथ। जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा घर है। सोच लो जानकी। सोच लिया है माँ। शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं इस फर्ज को निभा सकूं। पिताजी। बेटी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी। आपकी बेटी अब कमजोर नहीं है और ना ही अकेली, वो है ना मेरे साथ। चलो जानकी की माँ, अब हमें चलना चाहिए। सदा सुखी रहो बेटी। तुम्हारे सारे दुख मेरे रास्ते में पड़े। माँ। जानकी की माँ, चलो वरना फिर से हमारा अपमान होगा। हम तो सह लेंगे लेकिन अपनी बेटी को सहते हुए नहीं देख सकते। चलो। जानकी के लिए मैं ये साड़ी लाई थी, वो हमारे ही पास रह गई। अब भूल जाओ जानकी को। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, हालात कह रहे हैं सरस्वती। नहीं,
हमें अब जानकी को भूलना ही होगा। नहीं पिताजी, कहाँ चले गए आप लोग? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दो माँ। इस वक्त अगर हम उसके सामने आए तो हमारी बेटी कमजोर हो जाएगी और कोई भी कमजोर इंसान हालात का सामना नहीं कर सकता। हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे कमजोर होते हुए कैसे देख सकते हैं सरस्वती? ये अकेली नहीं है, सबका मालिक इसके साथ है। सरस्वती, इसे इसकी लड़ाई लड़ने दो, लड़ने दो इसे। शादी के बाद बेटी के अपने माता पिता के लिए पराई हो जाती है। क्या बेटी पर माता पिता का कोई हक नहीं रहता? हमारे जानवरों पर जब कोई हाथ उठाता है तब तो हम हाथ उठाने वाले से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन बेटी पर हाथ उठाने वालों के सामने खामोश क्यों रह जाते हैं? क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हैं? क्यों? वो बेटी के ससुराल वाले हैं इसलिए। क्या बेटी के ससुराल जाते ही बेटी के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, रिश्ता ये कभी नहीं खत्म होता। मां मां ही रहती है और बाप बाप ही रहता है। माँ बाप की बेटी माँ बाप की ही रहती है। जब ऐसा है तब हम क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं, मानो अब हमारी बेटी हमारी है ही नहीं? क्यों हम इतना डरते हैं? क्यों हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान होते हैं? क्यों हम अपनी बेटी को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं? बेटी के माता पिता भिखारी नहीं हैं, भिखारी तो वो लड़के वाले हैं, वो जिन्हें कन्यादान में लड़की दी जाती है। माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए, बेटी शादी के बाद भी उनकी अपनी है, पराई नहीं। परायापन का एहसास ही बेटी को कमजोर बना देता है। सबका मालिक एक। बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। वो भिखारियों की लड़की फिर से इस घर में कदम न रखे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लेकिन माँ जी, हमने दरवाजा बंद कर दिया तो जानकी जाएगी कहाँ? वनवास में? तुम्हें क्या करना है? जैसा मैं कहती हूँ जाओ वैसा करो, जाओ। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। माजी, दरवाजा खोलिए। माजी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे।
दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपने माँ बाप के साथ गई क्यों नहीं? माँ जी, मैं तुम्हारी माँ जी नहीं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। ओ माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी, दरवाजा खोलिए। दुनिया चाहे सारे दरवाजे बंद क्यों ना कर दे, इंसान का मालिक पर अटूट विश्वास रहना चाहिए। उसका विश्वास ही उसे सब्र करने की ताकत देता है। ऐसे समय में उसकी भक्ति ही उसकी शक्ति बन जाती है। उसकी आस्था और श्रद्धा उसे हर हाल और हालात में विश्वास दिलाती रहती है कि मालिक उसके लिए कोई ना कोई दरवाजा खोल देगा। सबका मालिक एक। जानकी, भाभी कहाँ गए सबके सब? रामू, साधु, दरवाजा बंद क्यों था भाभी? और वो जानकी के माता पिता आए थे ना, कहाँ हैं वो लोग? जानकी, 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 रघु आए हैं। कमरे में तो कोई नहीं है, ना जानकी और ना मेरे सास ससुर जी। माँ, जानकी कहाँ है? मुझे क्या पता। माँ, तुम घर में रहती हो और तुम्हें पता नहीं कि जानकी कहाँ गई है? तुम भी ना माँ। अच्छा, तो क्या वो सारा काम मुझसे पूछ कर करती है? अगर वो घर पे नहीं है तो गई होगी अपने माँ बाप के साथ। ऐसे कैसे जाएगी वो माँ? जाने से पहले मुझसे पूछती, तुम्हारी इजाजत मांगती। अच्छा, तो क्या इस घर में आने से पहले तुमने या उसने ली थी मेरी इजाजत? तो आज क्यों लेने लगी वो जाने से पहले मेरी इजाजत? जानकी, जानकी, पौना, ये तो पवना गाय की आवाज है। जानकी, यहां क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ जानकी? कहीं माँ ने? नहीं नहीं, माँ जी और पिताजी का अपमान तो नहीं किया? बोलो जानकी। नहीं नहीं, माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की है, उनका आदर सत्कार किया, उन्हें खिलाया पिलाया और उन्हें कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए भी विनती की। तो फिर वो रुके क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम बेटी के घर कैसे रुक सकते हैं। ऐसा कहकर माँ पिताजी तुरंत चले गए अपने दामाद से मिले बिना। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है जानकी। एकदम सीधी सादी हो तुम। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी आंखों में भी दिखाई देता है। चलो चलो, अब घर चलो, घर के दरवाजे अब खुले हैं। जीवन साथी वही है जो अपनी पत्नी के दिल की बात बिना बताए जान जाता है, उसका दुख महसूस करके उसे सुख देने की हर कोशिश करता है। अगर पत्नी की आंखों में आंसू हों
तो उन आंसुओं को पूंछ होठों पर हंसी के फूल खिलाता है। जीवन साथी का अर्थ ही है नई उम्मीद, नई आशा। पत्नी का भविष्य और भविष्य के सुनहरे सपने, दुख सुख में पत्नी का साथ देने वाला, पत्नी की परछाई बनने वाला, पत्नी का मित्र, सखा, साथी, सबका मालिक एक। देखो ना माँ, जानकी कितनी उदास है। इसके माता पिता चार दिनों के लिए यहाँ रुके नहीं, इसलिए बेचारी बाहर आंगन में बैठी रो रही थी। ये वहां रो रही थी और आपने समझ लिया कि जानकी बगैर आप लोगों को बताए अपने माँ पिताजी के साथ चली गई है। माँ, वो लोग आए और चले गए, कम से कम तुम्हें तो उन्हें रोकना चाहिए था। भाभी चलो, माँ तो पुराने ख्यालात की है, शायद रिश्तों की मर्यादा में बंधी है, लेकिन आप, आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था। क्या कहेंगे वो? कहेंगे कि इस घर के लोग संस्कारी नहीं हैं। कहते होंगे बस कहने भर के लिए अमीर हैं, बड़ी जमीन है, हवेली है, जायदाद है, लेकिन लेकिन दिल के कंगाल हैं। क्या हम सब इतने कंगाल हो गए हैं भाभी? मालिक ने इंसान तो बनाया, लेकिन कमाल का बनाया। मालिक के बनाए हुए इंसान का एक निराला परिवार है और उस परिवार के सदस्य भी हैं। कौन है सदस्य? सदस्य हैं ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तिरस्कार और क्रोध। सबका मालिक। अरे कैसे हो श्रवण दोस्त? ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम भी कमाल के हो दोस्त, और तुम्हारी दोस्ती भी। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आकाश की तरफ देखकर बातें कर रहे हो। क्या करूँ दोस्त, जब वो खाली होता है ना तो मुझे पुकारता है। अब पुकारे तो बोल देना कि मैं श्रवण के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे घर जाने के लिए तो निकला था, लेकिन बीच में मालिक ने मुझे बातें करने के लिए रोक लिया। यही ना? अब चलोगी? माँ इंतजार कर रही होगी। चलो हाँ चलो 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 चलो। अब आकाश की तरफ बिल्कुल मत देखना। क्यों? मालिक फिर से रोक देगा और खाना यूं ही रह जाएगा, और माँ इंतजार करती रहेगी। चलो अब जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो 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 चलो। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, चलो चलो चलो। अरे अरे, श्रवण के साथ जा रहे हैं। साई बाबा आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशी का कारण आज जाकर बाबा से पूछते हैं। हाँ, चलो। साई नाथ तो श्रवण के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। हाँ, बाबा प्रणाम। अरे तुम लोग, तुम सबका कल्याण हो। अच्छा सखू भाई, तुम्हारे पति ने शराब पीनी छोड़ी कि नहीं? आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में है? फिर मेरा पति कैसे कर सकता है? चलो चलो चलो, बाबा 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 बाबा, अरे साईं साईनाथ, बाबा बाबा प्रणाम। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो, क्या बात है, आज पूरी शिरडी यहाँ सब खुशहाल तो है नानावली? आशीर्वाद है। चलो 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 चलो। ये क्या नाटक लगा रखा है नानावली? हाँ मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम सब? पीछा नहीं कर रहे बाबा, हम तो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। क्यों, ये भी कोई सवाल है बाबा? भक्त तो अपने भगवान का पीछा करता ही है साईनाथ, और फिर हम सब तो आपके भक्त हैं। अरे तो पीछा किया ना, अब जाओ चलो। सुन बाबा, बाबा बोल दो।
श्यवन ने मुझे खाने के लिए बुलाया है और मैं श्यवन के घर खाना खाने जा रहा हूँ। हाँ? अच्छा, तो श्रवण ने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? बोलो श्रवण। तुम्हें क्यों बुलाएगा? श्रवण मेरा दोस्त है। बाबा, हम भी तो श्रवण के दोस्त हैं। अरे हाँ? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे मैं श्रवण के पास खाना खाने जा रहा हूँ और तुम लोग जाओ। अरे तो श्रवण की मांग क्या कहेगी? एक पागल को खाने के लिए बुलाया और ये पागल पूरी सीढ़ी को लेकर चला आया। साईनाथ, आप सीढ़ी के श्वास हैं। आप जहाँ होंगे वहां तो पूरी शिरडी होगी ही होगी। लेकिन महासभापति, श्रवण का पूरा परिवार इतना समर्थ नहीं है। बाबा, हम भी कहां इतने सामर्थ्यवान हैं। सगुण, श्यामा की तरह तुम मुझसे बहस करने लगे। नहीं बाबा, हम सब तो आपके साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं? जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो बाबा, वो असमर्थ कैसे हो सकता है? वैसे भी बाबा, भगवान के साथ भोजन करने का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। श्यवन, मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं जा रहा हूँ। बस नहीं। अरे बाबा, अरे बाबा, 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 अगर ऐसा है तो श्रवण की माँ को बोलकर खाना यही मंगवा लेते हैं। सगुन, चलो श्रवण की माँ को बोल के बताते हैं कि बाबा यही पड़े। तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जाने दो ना दोस्त, चले दो इन्हें भी हमारे साथ। चलने दूं? हाँ, माँ कहती है कि किसी को भोजन कराने जैसा पुण्य कार्य और कोई नहीं है। शायद इसी से मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दें। लेकिन श्यवन, इतना सारा खाना बनाया नहीं गया होगा। जो भी होगा मिल बांट कर खा लेंगे। वो है ना तुम्हारा दोस्त? कौन? वो ऊपर वाला। हा? जो आसमान में रहता है। हा? उसे बोल दो। क्या? हमारी चिंता उसकी। सुन लिया मेरे मालिक, मेरे इस छोटे से दोस्त का ख्याल रखना। श्यवन के घर आए हुए हर अतिथि को तृप्त करना मालिक, तृप्त करना। अरे बेटा श्यवन, इतनी देर हो गई, ये लड़का कहाँ जाके बैठ गया? साक्षात भगवान श्रवण के साथ हैं। और देखो, शिरडी के भगवान खुद श्रवण के लिए दुआ कर रहे हैं। ये लड़का भी ना, पता नहीं कब तक आएगा। माँ, श्रवण बेटा तुम आ गए, देखो कितनी देर लगा दी तुमने। हाँ माँ, वो थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा, चल ठीक है ठीक है। पहले ये बताओ, तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे साथ आया है? मैंने कई लोगों की आवाजें एक साथ सुनी श्रवण। माँ, जब लोग कई होंगे तो आवाज भी कई लोगों की आएगी ना। मेरे साथ कई लोग आए हैं भोजन के लिए। हाँ माँ, भोजन के लिए। ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं, इसलिए मैंने इन्हें भी बुला लिया। ठीक किया ना माँ? हाँ बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया। बहुत अच्छा किया जो इन्हें यहाँ ना भोजन के लिए लेकर आया तू। अब तो एक काम कर, इन्हें ना हाथ पैर धोने के लिए पानी दे दे और सबको खाने के लिए बिठा दे। हाँ चलो दोस्त, चलो चलो चलो, चलो। श्रवण बेटा, मैंने इन सबके लिए खाना तो नहीं बनाया। माँ जी, हमें बस प्रसाद दीजिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। हमारे दरवाजे पर कोई खाने के लिए बैठे और भरपेट ना खा पाए, ये तो सही नहीं है ना। मैं दाल और चावल पकाने के लिए रखती हूँ।
तब तक श्रवण तुम लोगों को ये खाना परोसेगा। जाओ बेटे श्रवण जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। श्रवण मैंने सिर्फ 10 रोटियां बनाई थी बेटा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए, तुम्हारी दोस्त के लिए और अपने लिए। तुमने सबके पत्तल में रोटी रख दी है? हाँ माँ, मैंने सबको दे दी और ऊपर से बच भी गई है। बच गई? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे माजी, खाना बहुत बढ़िया बनाया था। माजी, आपका कल्याण हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो, हम सब तृप्त होकर जा रहे हैं। चलते हैं माजी, प्रणाम। श्रवण बहुत आनंद आया। चलो सब लोग ने भरपेट खाना खाया, फिर भी बर्तन तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं, रोटियां काफी बची है, सब्जी काफी बची है। ये तो चमत्कार हो गया श्रवण, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन तुम्हारी ये अंधी माँ भगवान का ये चमत्कार नहीं देख सकी, नहीं देख सकी। बड़ा स्वादिष्ट इतना स्वादिष्ट खाना था। जरा रुकिए, सुनिए। इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है, आप सबने उन्हें देखा है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं अपने भगवान को नहीं देख सकती। परंतु मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ, वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं मेरे करीब। आज मुझे साक्षात्कार हुआ है कि इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सबका मालिक एक। अरे द्वारिकानाथ जी, वहां मत देखना, वो ढोंगी आ रहा है, सत्यानाश हो जाए उसका। बाबा। अरे ढोंडू चुप रह। मालिक, तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। तुम्हारा बनाया हुआ ये चक्रव्यूह कोई इंसान तो भेद ही नहीं सकता। वाह मालिक। बाबा। वाह। प्रणाम बाबा। अरे ढोंडू तुम, भला हो तुम्हारा। साईं बाबा, भला तो कृष्णा माई और मंगेश का हुआ है, आपकी दी हुई उदी से। मेरी उदी से नहीं, तुम्हारे दिल में जो सच्चाई है और जो अच्छाई है
उससे। सुना वैद्य जी, साई बाबा क्या कह रहे हैं? अरे वैद्य जी, द्वारकानाथ जी आप? अरे राम राम राम, टोक दिया इसने, हो गया अपशकुन, सत्यानाश हो जाए। कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं? देखा, तुम अपने काम से काम रखो साईं। कहीं रहाता तो नहीं जा रहे हैं आप? आपने कैसे जाना बाबा? थोड़ा ज्यादा नाटक मत कर, तुम ही ने बताया होगा इसे। हा? किसी के छुपाने से कुछ छुपा है वैद्य जी, सच तो उजागर होकर ही रहता है। द्वारिका माई नहीं है साईं, अपने प्रवचन अपने पास रखो। वैद्य जी, साईं बाबा को बोल दूं कि हम साईं बाबा के गुरु को शिरडी लाने के लिए रहता जा रहे हैं, बोल दो। लायक गधे, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते कभी हैं? किस किस का मुंह बंद करेंगे वैद्य जी, जाइए रहता जाइए, शायद मैं भी रहता चला हूं। माले भगवान, ऐसा लगता है कि ये साईं सब कुछ जानता है। अरे जानेंगे ही, विद्वान है वो, ज्ञानी है, द्वारिका नाथ जी की तरह थोड़े ही है। थोड़िया वैद्य जी चलिए। आइए भगवान, आइए। द्वारिका नाथ जी आप यही रुकिए, पहले वैद्यराज ढोंडू बाबा बैठेंगे टांगे में, फिर वैद्य सम्राट कुलकर्णी जी बैठेंगे, और आप दोनों टांगे के पीछे दौड़ लगाना। तुड़ुक 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 तुड़ुक। अरे नारायण, वो दोनों नहीं दौड़ेंगे, तू दौड़ेगा घोड़े के पीछे। चलो, ज्यादा ही पर निकल गए। बैठिए द्वारिका नाथ जी, ये लेना तिवाजी। हाँ हाँ, राम राम राम। चलो 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 चलो। अरे ये पकड़, नाला कहीं का। अरे वैद्य जी, रुको वैद्य जी, वैद्य जी, चुप कर, वैद्य जी, रुको, मिल ले, चल मेरे को, चल, अरे क्या कर रहे हो, गिर जाओगे वैद्य जी, चलिए, अच्छा, चल, जा रहे। श्रवण के माता पिता शिरडी के भगवान को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो रोज भगवान के दर्शन करते हैं। भोजन का चमत्कार करके आज बाबा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो स्वयं परमात्मा के अवतार है, लेकिन न श्रवण ने और न ही श्रवण की माँ ने उन्हें पहचाना। संकेत समझ ही नहीं सके वो। माँ जी, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी ने भी अवश्य ही ऐसी कोई लीला जरूर दिखाई होगी। हाँ गुरु जी, ऐसी बहुत सारी लीलाएं की हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज ने। एक समय की बात है गुरु जी, श्री स्वामी समर्थ महाराज कोनली गांव के जंगल से अपने भक्तों के साथ जा रहे थे। स्वामी समर्थ सुबह से निकले थे, ना उन्होंने कुछ खाया पिया था और ना ही उनके भक्तों ने। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय। श्री पात्र, आप स्वामी समर्थ से विनती कीजिए कि आप रुक जाएं और खान पान की व्यवस्था करने की आज्ञा दें। स्वामी महाराज, सभी भक्तों की प्रार्थना है कि थोड़ा विश्राम कर लें, इन सबको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। श्री पादकर, आज सभी को अन्नपूर्णा के हाथ का भोजन कराऊंगा, सबसे कहो चलते रहें। चलते चलते बहुत वक्त हो गया तो श्री पादकर से रहा नहीं गया, उसने आगे बढ़कर स्वामी जी का रास्ता रोक लिया। स्वामी महाराज, अब नहीं चला जाएगा, सभी थक चुके हैं, हर किसी को भूख लगी हुई है महाराज, ऐसा लग रहा है खाने को कुछ नहीं मिला तो सभी के प्राण चले जाएंगे महाराज। Thank you.
स्वामी महाराज? चिंता ना करो, भालवा के पेट में खाना जाएगा, भालवा होश में आ जाएगा। लेकिन महाराज, इस घने जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? और हम लोग 40 से ज्यादा हैं स्वामी महाराज। सामने चले जाओ, वहां अन्नपूर्णा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। श्री पाटकर, स्वामी समर्थ ने तो कह दिया कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु इस वक्त वो भी घने जंगल में, स्त्री हमारी प्रतीक्षा क्यों करेगी? स्वामी समर्थ पर अविश्वास मत दिखाओ। स्वामी समर्थ जी ने कहा है कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, तो अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये औरत इतने घने जंगल में कौन हो सकती है? कहीं अन्नपूर्णा तो नहीं? नमस्कार माँ जी, यहां से गांव कितनी दूर होगा? चलते रहो, रात होने से पहले गांव पहुंच जाओगे। भूखे प्यासे हम लोग जंगल में भटक रहे हैं, भोजन की तलाश में हैं। स्वामी महाराज ने कहा है कि भोजन तैयार है, अंदर सारा भोजन रखा है, लेकर जाइए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। चावल, स्वामी समर्थ, दाल, श्रीखंड, पूरी, लड्डू, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ये तो पंच पकवानों का भोजन है माँ जी। ऐसा समझो आपके लिए ही बनाया है। माँ जी आप भी चलिए हमारे साथ, आपको स्वामी समर्थ जी के दर्शन हो जाएंगे। इस वक्त तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी, लेकिन उनके दर्शन जरूर करूंगी। आप उन्हें मेरा प्रणाम करना। लेकिन माँ जी, स्वामी समर्थ महाराज को मैं क्या कहूँ कि कौन उनके दर्शन करने आएंगी? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा यही नाम है मेरा। अरे अन्नपूर्णा नहीं है, और झोपड़ी भी गायब हो गई। ये सब स्वामी समर्थ बाबा का चमत्कार है। जय स्वामी समर्थ बाबा, जय स्वामी समर्थ बाबा, स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री पाटकर, हमारे सभी भक्तों को भोजन मिल गया ना? जी स्वामी महाराज, ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। स्वामी महाराज, श्री पाटकर को जिस स्त्री ने भोजन सामग्री दी वो कौन थी? वो हमारे ही परिवार की है बाबा जादव। माँ जी वो वही अन्नपूर्णा थी। नूरबाजी, अन्नपूर्णा पूरी दुनिया को खाना खिलाती है, हम सबकी माता है वो। भूखे प्यासों के सामने वो अलग अलग रूपों में आती है, किसी को घरेलू रूप में दिखाई देती है, तो किसी को जंगल में रात के वक्त। वो एक माँ की तरह अपनी औलाद की फिक्र करती हुई नजर आती है,
और कभी कभी हम जैसों को श्रवण की मां के रूप में भोजन खिलाते हुए नानावली भूख लगी है। सबका मालिक एक। राम राम राम। जी, हम राता में आ गए। अरे नालायक, तुम्हें अपना मुंह खोलने की जरूरत थी। जो आते ही कह रहा है कि हम राता में आ गए, मुझे दिखाई दे रहा है। सत्यानाश वैद्य जी, हाँ? वहाँ देखिए। अरे राम राम राम, वहाँ तो बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है द्वारिकानाथ जी। और वो भीड़ जरूर उस साईं के गुरु जौहर बाबा को सुनने के लिए ही जमा हुई होगी वैद्य जी। हाँ। आपकी कमी है वहाँ। अरे चुप कर नालायक, कहीं के चल। हमेशा जान सत्यानाश हो जाए इसका। मेरे मालिक, मैं तो तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है कि मुझे धन संपत्ति और पैसा इसका कभी मोह ना हो जाए। मेरे मन पर अहंकार का अभी और कभी कब्जा ना हो जाए। मेरा मन कहीं भटक ना जाए, वो हमेशा रहे तो तुम्हारी ही भक्ति में लगा रहे मालिक। वैद्य जी, हाँ? ये तो साईं बाबा की तरह बातें करता है। सत्य कहा तूने। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे मालिक, आप तो भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, मेरा उद्धार कर दो मालिक, मेरा उद्धार कर दो। तुम सबका कल्याण हो। सबका कल्याण होना हो वैद्य जी, मेरा और आपका तो जरूर होगा। सत्य कहा आपने द्वारिकानाथ जी। जैसे ही ये गुरु शिरडी में आएंगे तो हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये गुरु साईं को शिरडी से बाहर लेकर जाएगा। श्यामा, ये दुनिया एक रंग भूमि है। इस रंग भूमि पर कई कलाकार नाटक में चेहरे को रंग लगाकर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। उनका नाटक इतना बढ़िया होता है कि लोग उसे हकीकत समझ बैठते हैं। अगर वो शराबी की भूमिका करता है तो लोग उसे शराबी समझ बैठते हैं। अगर कोई खलनायक का किरदार निभाता है तो लोग उसे खलनायक ही समझते हैं। जैसे वैद्य कुलकर्णी, वो तो द्वारिकानाथ को सबसे बड़ा ज्ञानी और विद्वान समझता है। लेकिन सच्चाई कभी किसी से छिप नहीं सकती नानावली। लेकिन बाबा, द्वारिकानाथ की तो पोल खुल गई। आप सब कुछ छिपा सकते हैं लेकिन अपना चरित्र नहीं छिपा सकते, क्योंकि इंसान का चरित्र इंसान के बारे में सब कुछ बता देता है। बाबा, मिसाल देकर बताइए ना। एक बार शेर की खाल में लिपटा गधा एक गांव में घुस गया। लोग शेर समझकर घबराकर भागने लगे। तभी किसी घर के सामने खड़ा दूसरा गधा घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ढेचू ढेचू ढेचू। गधे की आवाज सुनकर शेर की खाल में लिपटा गधा खुश होकर चिल्लाने लगा, ढेचू ढेचू ढेचू। भागने वाले लोग रुक गए। वो समझ गए कि ये शेर शेर नहीं है, गधा है, बल्कि शेर की खाल में लिपटा एक गधा। लोगों ने गधे की जोरदार पिटाई की, खूब मारा, खूब धुनाई की उस गधे की, उसे सबक सिखाया। वेश बदल जाने से तस्वीर बदल जाती है, तकदीर नहीं। इंसान वही भूमिका निभाए जिसमें उसकी योग्यता हो।
सबका मालिक एक। पौना, माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हम गरीब जरूर हैं पौना, लेकिन इज्जतदार हैं। पिताजी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज उन्हीं की बेटी के घर में उन्हें भिखारी कहा गया। अच्छा, तो तुमने मेरे रघु के कान भरे? क्यों? मैंने नहीं माँ जी। नहीं? फिर उसने सभी को ताने क्यों मारे? उसने हमें बदतमीज क्यों कहा? उसने घर के सभी लोगों को अहंकारी क्यों कहा? माँ जी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। बहुत भोली बनती हो तुम। तुमने कुछ नहीं कहा, फिर भी रघु बेटे को हम दिल के कंगाल लगते हैं। आज तक जिसने आंख उठाकर नहीं देखा, उसकी नजरों में आज मेरी कोई इज्जत नहीं। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, बेशरम मेरा बेटा। तुम मेरे सुख को दीमक बनकर चाटने के लिए आई हो, और आते ही चाटना शुरू भी कर दिया। दिल तो करता है कि मैं तुम्हारा गला घोट दूँ। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो तुम देख रही हो। रुक जाओ! अरे मालिक से डरो, किसी निष्पाप को सताने का पाप मत करो। अरे इतनी अकड़ क्यों, इतना अहंकार क्यों? क्या बिगाड़ा है तुम्हारी उस बेटी समान बहू ने? वो तो एक गरीब गाय है जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तुमने उसे बहुत उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि उसके सामने उसके माता पिता का अपमान किया, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। वो इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करती है। तुम उसके पति की माँ हो, इसलिए वो तुम्हें माँ जी कहती है। वो तुम्हें माँ का दर्जा दे रही है और तुम उसका अपमान कर रही हो। अरे ना उसने कभी क्रोध किया, न कभी पलट कर जवाब दिया, न कभी तुम्हें आंखें दिखाई, न कभी अपने नाखून बाहर निकाले। फिर भी उस पर तुम हाथ उठा रही हो। क्या चाहती हो तुम, अपनी खुशी या अपने बेटे की खुशी? तुम्हें तो अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, और ढूंढ रही हो अपने खुशी में अपने बेटे की खुशी। ये उल्टा व्यवहार, अपने आप को परिवार का कर्ता समझ रही हो, भूल रही हो कि वो सबसे बड़ा कर्ता है, सर्वशक्तिमान मालिक। वो मालिक जो इस दुनिया का करता है, वो मालिक किसी पर अन्याय होते नहीं देख सकता, और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने व्यवहार में तब्दीली लाओ, बदलो उसे। नफरत की जगह प्यार बांटो, कल्याण होगा तुम्हारा, उद्धार होगा। वरना जब मालिक की लाठी पड़ेगी तो आवाज नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लाठी कभी आवाज करती ही नहीं।
सबका मालिक एक। आज मैं भी आपके और पिताजी के साथ खाना खाऊंगा। लेकिन तुम पाठशाला गए थे ना? गया था ना चाचा, लेकिन पाठशाला में आज आधे दिन के बाद ही छुट्टी मिल गई। अच्छा, और तुम खाना लेकर चले आए? हाँ, और करता भी क्या, घर में तो हाय तौबा मची थी। क्या मतलब? दादी माँ जानकी चाची पर बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए बोल रही हूँ। अरे ओ बेशरम, कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? चिपक कर बैठ गई हो इस घर में, इतना कुछ कह रही हूँ मैं, जाती क्यों नहीं? कुछ शर्म हया है कि नहीं? चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। तुम हमारे लिए बद्दुआ हो, बद्दुआ। लातों की भूत बातों से नहीं मानोगी। हाँ। जानकी चाची बीच में आ गई और पौना वहीं रुक गई। माँ ठीक तो है ना राजू? अहंकारी इंसान कैसे ठीक हो सकता है? जब अहंकार को ठेस लगती है तो इंसान दुखी होता है, जब उसके अभिमान को धक्का लगता है तो इंसान अशांत होता है। ऐसे समय में इंसान को अपने शरीर पर लगे जख्म उतना दर्द नहीं देते जितना दुख दर्द उसका अहंकार उसे देता है। इंसान का अहंकार ही इंसान के दिल में मान और अपमान को पैदा करता है। मान से इंसान को सुख मिलता है और अपमान से दुख। ये अपमान ही इंसान के दिल में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि विकारों को बुलावा भेजता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने अपमान को कभी नहीं भूलता, और जो अपने अपमान को नहीं भूलता वो मौका मिलते ही सांप की तरह टंक मारना नहीं भूलता। सबका मालिक एक।